मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर प्रणाम। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरु देवताय नमः। ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमो नमः। शिव शरण दोस्तों, मैं हूं कड़प्पा, फिर से आपके सामने हाजिर हूं। मेरे धर्म कर्म चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, पंचांग आज का अभी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। दोस्तों, आज तारीख 3 अक्टूबर 2024, शनिवार, शक 1946, संवत्सर क्रोधी, आयन दक्षिण, ऋतु शरद, मास अश्विन, पक्ष शुक्ल, तिथि दोस्तों आज की प्रतिपदा तिथि है। देर रात 2:59 के बाद द्वितीया तिथि शुरू होगी। वार गुरुवार है। नक्षत्र दोस्तों हस्त नक्षत्र है। दोपहर 3:32 के बाद चित्रा नक्षत्र शुरू होगा। योग दोस्तों ऐंद्र योग है। सुबह कल 4:24 के बाद वैधुत्री योग शुरू होगा। करण दोस्तों किंस्तुक करण है। दोपहर 1:39 के बाद भव करण शुरू होगा और देर रात 2:59 के बाद बालवकरण शुरू होगा। प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 कुछ इस तरह होगी दोस्तों। सूरज और चांद दोनों कन्या राशि में होंगे, गुरु वृषभ राशि में और शनिदेव अपने कुंभ राशि में होंगे। बंबई क्षेत्र में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा दोस्तों। आगमन जो है सुबह 6:31 पर होगा और निगमन शाम 6:24 पर होगा। दोस्तों, इसी पंचांग के आधार पर अब हम आज की पूजा के लिए संकल्प छोड़ने जा रहे हैं। तब आप आपके दाहिने हाथ की हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षर, एक फूल या फूल की पंखुड़ी दे दोस्तों, और ये संकल्प जो है बोलना शुरू कर दे। हर ओम शिव शिव शंभो रात्रि प्रवर्त मानस ब्राह्मणों द्वितीय परार्धे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बुद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देशे व्यावहारिक चांद्रवाणी शालिवान शक 1946 प्रभादि षष्ठी सवसरो में क्रोधी नाम सवसरे दक्षिणायने शरद ऋतु भाद्रपद मासे कृष्ण पक्षे गुरुवार वासरे हस्त नक्षत्रे ऐंद्र योगे किंस्तुक न करणे प्रतिपदा शुभ तिथो। वीर गोत्र में उत्पन्न मैं कड़ाप्पा ममो पात दुरुत क्षय द्वारा श्री पार्वती पति परमेश्वर प्रीत्यर्थ विधि विधान से पंचोपचार नित्य देव पूजा एवं इष्टलिंग पूजा करिष्य। दोस्तों, यह संकल्प यहीं पर खत्म हो चुका है। अब आपके दाहिने हाथ के हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दो दोस्तों। दोस्तों, इस संकल्प की काल मर्यादा जो है दोपहर 1:39 तक है। इस समय के बाद भी अगर आपको किसी धार्मिक विधि के लिए संकल्प छोड़ना है तो कृपा करके आप ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लेकर नया संकल्प तैयार करें और उस संकल्प में आप अपने अपनी धार्मिक विधि जो करने जा रहे हैं उसका उल्लेख अवश्य करें। तब जाकर आपकी ये धार्मिक सेवा संबंधित देवताओं तक पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा दोस्तों। आपका जीवन और भी सुखमय बन जाएगा दोस्तों। दोस्तों, अब मुहूर्त विभाग में देखेंगे। धार्मिक विधि और उनके मुहूर्त काल कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। सबसे पहले मुहूर्त दिया गया है सगाई के लिए, तारीख 7, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 21 और 26। गोद भराई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 7, 9, 17, 18, 21। नामकरण करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 7, 12, 17, 18, 21, 23, 24। मुंडन करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 13, 17, 18, 21, 24। गृह प्रवेश करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 7, 9, 11, 12, 13, 17, 18, 21 और 24। अब मुहूर्त के दूसरे भाग में देखेंगे दोस्तों। दोस्तों, इसमें धार्मिक विधि और मुहूर्त काल इस प्रकार दिए गए हैं। जनेऊ संस्कार दोस्तों, इसके लिए माघ मास के बिना कोई मुहूर्त नहीं है।
शादी ब्याह के लिए कार्तिक मास के बिना कोई मुहूर्त नहीं है। वास्तु शांति के लिए और भूमि पूजन तथा पायाभरण के लिए भी कार्तिक मास के बिना कोई मुहूर्त नहीं है दोस्तों। दोस्तों देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अगर आपको करनी है तो भगवान विष्णु और देवी माताओं की आप प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं या इनके अवतारों की कर सकते हैं, लेकिन पंडित के माध्यम से विधिवत देवकाल में घर पर करें या मंदिर में करें दोस्तों। इसके लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 7, 11, 13, 17, 18, 21, 23 और 24। दोस्तों प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद भी अगर हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि इन मूर्ति पर हमें संबंधित देवताओं का अभिषेक लेना पड़ता है, पुरुष सूक्त या श्री सूक्त। अगर ये रोज आप नहीं लेंगे, अभिषेक युक्त सेवा नहीं करेंगे, तो प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति होते हुए भी उसे खंडित माना जाता है और उसका विसर्जन एक दिन करना पड़ता है दोस्तों। ये ख्याल में रखो, ये नियम ख्याल में रख के ही आपको आगे कदम उठाना है दोस्तों। अगर जरूरत है तो ही करो, अन्यथा ना करें दोस्तों। दोस्तों पंचांग में दिए गए कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो अब हम देखेंगे। पंचांग शुद्धि दोस्तों उत्तम दिन तो है, क्योंकि माता का आगमन है, घट स्थापना है, तो पंचांग शुद्धि नहीं है, लेकिन इस कारण हमें शुभ मुहूर्त का या चौघड़ा मुहूर्त का सहारा लेना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि नवरात्रि आज से शुरू हो रही है और घट स्थापना हमें करनी है। तो इसके लिए मुहूर्त है दोस्तों सूर्योदय से लेकर 8 बजे तक सुबह, ये पहला मुहूर्त होगा, और सुबह 10:58 के बाद कभी भी आप कर सकते हैं, लेकिन देवकाल में ज्यादा से ज्यादा 2:45 तक, 2:45 तक मुहूर्त है, इतना भी देर ना करें दोस्तों। देवकाल में ही हमारी पूजा संपन्न होनी चाहिए, 12, 12:30 बजे के अंदर। अग्नि दोस्तों ये काम जो है घट स्थापने का, अगर पंडित के माध्यम से करेंगे तो और भी अच्छा होगा, सोने पे सुहागा होगा दोस्तों। दक्षिणा तो हमें देनी ही है, दान धर्म तो हमें करना ही है, तो ऐसे काम में क्यों हम कंजूसी करें दोस्तों। विधिवत हो जाएगा और हमारे नाम पे पुण्य जमा हो जाएगा दोस्तों। अग्नि धरती पर हाजिर है दोस्तों, अगर आपको नया कोई यज्ञ कर्मकांड करना है तो आप आराम से कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन आगे चलकर वो कहीं बंद हो जाए इसका भी आपको ध्यान रखना है। अगर न बंद हो जाएगा तो आपको आपके नाम दोष लग जाएगा दोस्तों। राहु काल दोस्तों दोपहर 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक है। इस काल में भी आपको आपके महत्वपूर्ण जो काम होते हैं वो नहीं करने हैं, वो और कोई समय में पूरा करो ताकि आपको उसमें सफलता मिले, क्योंकि राहु आपको इस काल में 1:30 से 3 बजे तक काल में सफलता ज्यादा करके नहीं देगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, आज का ये पंचांग है मैं यहीं पर खत्म कर रहा हूं। अगर आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने मित्र और परिवार के साथ शेयर करो। कमेंट्स बॉक्स में आपका मत अवश्य दो दोस्तों, और अगली मेरा जो वीडियो होता है वो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन को अवश्य दबाओ। धन्यवाद दोस्तों, अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहें, आनंदी रहें और प्रसन्न रहें। हरिओम, शिव शंभो महादेव।